بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. आज हम इलेक्ट्रिक केटल का रिव्यू शेयर करेंगे, अनबॉक्सिंग के साथ फर्स्ट टाइम यूज भी आपके सामने करेंगे और ऑनेस्ट रिव्यू बताएंगे। ये अगारो ब्रांड की इलेक्ट्रिक केटल है। कैपेसिटी इसकी 1.8 लीटर्स है। बाहर से ब्लैक कोटिंग है और अंदर से स्टेनलेस स्टील की। लुक्स एंड क्वालिटी में ऑसम है। इसकी प्राइस बॉक्स पर 1999 रुपीज लिखी हुई है। आमतौर से ऑनलाइन ये ऑफर में 1200 से 1300 तक मिल जाती है। लकीली अमेज़न पर ये सिर्फ और सिर्फ 899 में अवेलेबल थी, उसी टाइम हमने परचेस कर लिया। चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें है ये यूजर मैनुअल और साथ ही वारंटी कार्ड भी है। यूज करने और क्लीनिंग का तरीका बताया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए है। इसके साथ 3-पिन प्लग है। अगर आप कहीं टूर पर ले जाना चाहते हैं तो एक 2-पिन प्लग अटैचर साथ लेकर जाए। कोई कोई होटल्स में 3-पिनर नहीं होता है। ये केटल है, जैसा कि उसका मॉडल नेम एलिगेंट है। वाकई ये लुक्स माशाल्लाह एलिगेंट ही है। 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। इजी टू यूज है, इजी टू क्लीन, इजी टू हैंडल है। देखिए इनसाइड लुक कितना परफेक्ट है। वाइड माउथ है। हैंडल पर ऑन ऑफ बटन है। चलिए यूज करते हैं। ये थोड़ा सा पानी ऐड किया, बटन ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है। जब तक पानी बॉयल हो रहा होता है ये लाइट ऑन रहती है। बॉयलिंग होते टाइम आवाज आती है और जब पानी बॉयल हो जाता है स्टीम भी आने लगती है और ये ऑटोमेटिकली ऑफ होती है। चलिए टू इंस्टेंट चाय बना लेते हैं। ये 1 मिनट टी मिक्स है। कॉफी के लिए आप 1 टीस्पून कॉफी, 2 टीस्पून शुगर और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर में गर्म पानी ऐड करें। इसका एक फीचर बहुत ही अच्छा है कि अगर इसमें पानी ना हो और कोई गलती से बटन ऑन कर दे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। हम ये फीचर भी आपके सामने चेक कराएंगे, क्लीन भी करके बताएंगे और पानी कितने मिनट्स में बॉयल होता है टाइमर लगा कर बताएंगे। अगर आप भी केटल बाय करना चाहते हैं तो वीडियो स्किप ना करें, एंड तक वॉच करें। चलिए हमारी चाय रेडी है। हाई टेम्परेचर पर पानी बॉयल होने से चाय बहुत अच्छी बनती है, जल्दी ठंडी नहीं होती। ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। ये है 500 मिलीलीटर पानी। देखते हैं ये कितने मिनट्स में बॉयल हो जाता है। पावर ऑन किया और साथ ही टाइमर भी। वीडियो को फास्ट किया है। देखिए अराउंड 2 मिनट्स लगे हैं और पानी बॉयल हो गया। माशाल्लाह, हाई टेम्परेचर पर बॉयल होता है और काफी टाइम तक केटल में गर्म ही रहता है। कुकिंग के टाइम भी ये बहुत यूजफुल है। ग्रेवी में, पुलाव में गर्म पानी ऐड करने की जरूरत पड़ती रहती है। चलिए एक लास्ट ट्राई भी कर लेते हैं। देखिए ये केटल खाली है। बटन हमने ऑन किया और यहाँ लाइट ऑन हो गई। थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। ये केटल इस ट्राई में भी पास हो गई है, लेकिन जब खोल कर देखा तो अंदर के स्टील का कलर थोड़ा रेडिश हो गया था, जैसे नॉर्मल स्टील के बर्तन जलने से होता है।
हम थोड़े फिकरमंद हुए कि अभी एक वीक भी इसे यूज भी किया और इसकी फिनिशिंग खराब हो गई। जलने के निशान कैमरा में क्लियरली कैच नहीं हो रहा था, इसलिए आपको नहीं दिखा सके। एक ग्लास पानी में 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करके केटल में शामिल किया और बॉईल किया, और कमाल हो गया, केटल के सारे दाग साफ हुए और ये बिल्कुल न्यू बन गई। एट लास्ट ऑन द पॉइंट, क्या ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए? जी आप ये ब्रांड बिल्कुल बाय करें, इट्स वर्थ फॉर मनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। शुक्रिया, जजाकल्लाहु खैर।